नमस्कार दर्शकों, हम सिविल इंजीनियर्स जब भी किसी फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, फिर चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो, ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, डैम कंस्ट्रक्शन हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, टनल हो या कोई और फैसिलिटी, एज एन इंजीनियर हम उस फैसिलिटी के कंस्ट्रक्शन से पहले उसके स्ट्रक्चर डिज़ाइन को लेकर काफ़ी उत्सुक रहते हैं। जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करना चाहते हैं वो फैसिलिटी अपने उद्देश्य को विदाउट फेल पूरा कर सके, उसके लिए डिज़ाइन पर ध्यान दिया जाना जरूरी होता है। अगर बात करें रोड एंड हाईवे कंस्ट्रक्शन की, तो उसका इंटेंडेड पर्पस होता है एक ड्यूरेबल पेवमेंट प्रोवाइड करना, जिस पर वाहन अपनी पूरी क्षमता के साथ दौड़ सके। एक ऐसा पेवमेंट जो समय के साथ कमज़ोर ना पड़े और हर मौसम में अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ टिका रहे, और यही इंश्योर करने के लिए पेवमेंट का सही तरीके से डिज़ाइन किया जाना आवश्यक होता है। सिविल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है हाईवे इंजीनियरिंग, जो रोड और हाईवे कंस्ट्रक्शन के फील्ड को कवर करता है, और इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पेवमेंट डिज़ाइन। दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने सोहना से दौसा तक के सेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट टेक्निकल फीचर्स डिस्कस किए थे। इसी कड़ी में हम एक बार फिर हाजिर हैं इस प्रोजेक्ट के पेवमेंट डिज़ाइन की जानकारी के साथ। हेलो इंजीनियर्स, सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना से दौसा सेक्शन के पेवमेंट डिजाइन के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हम इस टॉपिक से रिलेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब और सिविल गुरुजी के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करते चलें, जिसके जरिए हम आप तक ऐसी ही वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। इंजीनियर्स, पेवमेंट कितने प्रकार के होते हैं? आपने ये सवाल अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान, एग्जाम्स, वाइवा और किसी न किसी इंटरव्यू में जरूर सुना होगा। आइए देखते हैं इस एक्सप्रेसवे में कौन से टाइप के पेवमेंट डिजाइन का प्रोविजन किया गया है। सोहना दौसा सेक्शन के टेंडर डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करने से पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में दो कैटेगरी के रोड्स प्रोवाइड किए जाने हैं, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था। पहला 8 लेन डिवाइडेड कैरेजवे, जिसे कि मेन रोड या मेन कैरेजवे विद पेव्ड शोल्डर कहेंगे। दूसरा स्लिप रोड्स एंड कनेक्टिंग रोड्स, जिसका इस्तेमाल एक्सप्रेसवे से एंट्री करने, एक्सप्रेसवे से बाहर निकलने और वे साइड एम्यूनिटीज को एक्सेस करने के लिए किया जाना है। दोस्तों, इस सेक्शन के टेंडर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार मेन रोड के लिए परपेचुअल फ्लेक्सिबल पेवमेंट का प्रोविजन रखा गया है, जिसका मिनिमम पेवमेंट कॉम्पोजिशन कुछ इस प्रकार है, जिसमें टॉप लेयर स्टोन मैट्रिक्स एसफाल्ट विथ PMB 40 50 mm थिकनेस की प्रोवाइड की जानी है, जिसको सपोर्ट करने के लिए 250 mm थिकनेस की डेंस बिटुमिनस कंक्रीट यानी DBM की बेस लेयर और 150 mm थिकनेस की वेट मिक्स मैकेडम यानी WMM और 200 mm थिकनेस की सीमेंट ट्रीटेड सबबेस यानी CTSB की लेयर का प्रोविजन रखा गया है। मेन रोड के लिए इस परपेचुअल फ्लेक्सिबल पेवमेंट को मिनिमम 50 साल डिजाइन पीरियड के लिए डिजाइन किया जाना है, जिसका सब ग्रेड मिनिमम 8% CBR वैल्यू का होना चाहिए। वहीं स्लिप रोड्स एंड कनेक्टिंग रोड्स के लिए फ्लेक्सिबल पेवमेंट का प्रोविजन रखा गया है, जिसमें 40 mm थिकनेस का बिटुमिनस कंक्रीट यानी BC एज वेयरिंग कोर्स, 50 mm थिकनेस का डेंस बिटुमिनस कंक्रीट यानी DBM एज बेस कोर्स, 250 mm थिकनेस का वेट मिक्स मैकेडम यानी WMM और 200 mm थिकनेस का ग्रेनुलर सब बेस यानी GSB के लेयर का प्रोविजन रखा गया है। स्लीप रोड्स के लिए इस फ्लेक्सिबल पेवमेंट को मिनिमम 10 MSA ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए और इसके सबग्रेड को भी 8% CBR के हिसाब से डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ऐसा प्रोविज़न रखा गया है। इंजीनियर्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सोहना से दौसा तक का ये सेक्शन EPC मोड में डेवलप किया जा रहा है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफाई की गई ये सारी रिक्वायरमेंट्स मिनिमम है, जबकि कंस्ट्रक्शन से पहले कॉन्ट्रैक्टर को अपना खुद का पेवमेंट डिज़ाइन करना और उसे अप्रूव करवाना मैंडेटरी है। ऐसे में दोस्तों, ये सवाल लाजमी है कि पेवमेंट डिज़ाइन के ये काम, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, कौन करता है? इस काम के लिए दोस्तों पेवमेंट डिज़ाइन एक्सपर्ट या हाईवे डिज़ाइन इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज इन हाउस डिजाइन टीम रखती हैं जिनमें हाईवे डिजाइन इंजीनियर या एक्सपर्ट को हायर किया जाता है। वहीं कुछ कंपनीज थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स को हायर करती है। कुल मिलाकर पेवमेंट डिजाइन या हाईवे डिजाइन के फील्ड में सिविल इंजीनियर्स के पास इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने और किसी कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर कंपनी में सर्विस देने, दोनों ही प्रकार के करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, सोहना दौसा सेक्शन के पेवमेंट डिजाइन के टॉपिक पर हमने जो डिस्कशन किया उससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब हमारे पास होने चाहिए। हम अपने अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपको क्या अच्छा लगा और आप हमसे किन टॉपिक्स पर वीडियो की उम्मीद रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।